दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गैजेट्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों ये है एमआई का A1 और इस फोन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स और जो फीचर्स में बात कर रहा हूं आज अगर आप फॉलो करोगे तो आपका यूज काफी हद तक इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, देख लेते हैं इस फोन की यानी एमआई A1 की टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ यूजफुल फीचर। इस MIUI 1 पर आपको MIUI का UI यानी Xiaomi का UI नहीं मिलेगा। MIUI UI इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आपको प्योर Android देखने को मिल जाएगा और इसमें दिया गया है Android का नोगट। चलिए देखते हैं अबाउट फोन पर और यहां पे आप देख सकते हो Android 7.1.2 का वर्जन दिया गया है। तो आज बात करेंगे कि आपको इस फोन में Android नोगट का कौन सा फीचर्स आपको इस फोन में दिया गया है। दोस्तों जो दूसरा फीचर्स भी बहुत हद तक अच्छा है। दोस्तों ये जो फीचर्स है एम्बेड डिस्प्ले का, दोस्तों ये फीचर्स हमें नोकिया का जो लुमिया फोन आता था उसमें देखने को मिल जाता था, पर यहां पे भी आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक डेमो देख लेते हैं। आप देख सकते हो फोन लॉक है और यहां पे अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक फीचर्स है और आप यहाँ पे स्क्रीन को अनलॉक कर बिना आप जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाएगा, इसको जस्ट आपको क्लिक करके ऑन करना होगा, बस ये फीचर्स ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों काफी हद तक ये अच्छा फीचर्स मुझे लगा है। जो तीसरा फीचर्स है वो है रोटेशन, होम स्क्रीन रोटेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा होम स्क्रीन रोटेट हो चुका है और यहाँ पे मैं रोटेट स्क्रीन पर काम कर रहा हूं और इसको ऑन करने के लिए आपको होम स्क्रीन को दबाना होगा और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे दिख पा रहे हो आप अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, इसको आपको क्लिक करके इनेबल करना होगा, बस ये फीचर्स ऑन हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा एक फीचर्स मुझे इस फोन में यह लगा। जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है गूगल का जो होम पेज, उसको आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा गूगल का जो होम पेज, यहां पे आपका जो एक्टिविटीज और ट्रेंड्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको होम स्क्रीन को दबाना होगा और यहां पे सेटिंग्स पे जाना होगा, सो गूगल ऐप। अगर आप चाहते हो कि आपको वो पेज अच्छा लगता है ऑन करना तो आप ये कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो ये ऑन रहे तो आपको सिंपली यहां पे डिसेबल करना होगा। तो देखिए आप कोई भी पेज यहां पे नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो तो आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना होगा और इसको इनेबल करना होगा, बस ये फीचर्स भी ऑन हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा एक फीचर्स ये भी है। दोस्तों एमआई A1 का जो USP है वो है कैमरा। ये फोन डुअल कैमरा के साथ आता है, पर जो अच्छा फीचर्स इसमें मुझे लगा है वो है आपका कैमरा शॉर्टकट। आप जो आपका फोन का जो पावर बटन है इसको डबल क्लिक करके आप कैमरा को ऑन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पे आपको गेस्चर मिल जाएगा। गेस्चर में जाने के बाद जंप टू कैमरा और इसको ऑन कर दीजिए और बस ये इनेबल हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छा है, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। दोस्तों क्या करते हैं, नॉर्मली हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करते हैं सिर्फ फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए और एप्स को लॉक और अनलॉक करने के लिए, पर यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर को किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हो। फोन के एकदम ऊपर आपको टॉगल मिल जाएगा देखने को और ये टॉगल को डाउन और अप करने के लिए आपको स्क्रीन को छूना पड़ता है, पर विदाउट टच द स्क्रीन आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको नीचे की तरफ टच करना होगा और ये देखिए टॉगल डाउन हो गया है और इसको अप करने के लिए आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर को ऊपर की तरफ
छोड़ना होगा और ये उठ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे गेस्चर में जाना होगा। गेस्चर में स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन, इसको जस्ट क्लिक करके इनेबल करना होगा। बस आपका ये फीचर्स भी ऑन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जो नेक्स्ट फीचर्स है वो तो कुछ नया नहीं है, ये है स्प्लिट स्क्रीन। आपको नोगट के अपडेट के साथ ये मिल जाएगा। पर एमआई का जो पिछला फोन है यानी एमआई का मैक्स 2, एमआई नोट 4, इसमें आपको ये फीचर्स नहीं मिलता है। तो इस फोन में आपको ये फीचर्स मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन यानी आपके फोन में दोनों विंडो में एक साथ काम कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों एक डेमो ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग की पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारा मल्टी विंडो आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, आपको किसी भी एक ऐप को जस्ट होल्ड करके ड्रैग करके ऊपर की तरफ छोड़ना होगा। और देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। और कोई भी विंडो, अगर आप कोई भी विंडो चाहते हो कि एक साथ काम करना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपका दूसरा विंडो भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों विंडो में काम कर पाओगे। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो सिंपली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर आप ऊपर की तरफ से ड्रैग डाउन करके नीचे की तरफ छोड़ते हो या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ड्रैग डाउन करके छोड़ते हो तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर इस फोन में दिया गया है। सो नेक्स्ट फीचर है गूगल असिस्टेंट वॉइस। दोस्तों ये फोन गूगल असिस्टेंट वॉइस के साथ आ रहा है। तो दोस्तों ये सभी फोन में होता है, तो इस फोन में कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। ओके गूगल, हाय, आई एम योर गूगल असिस्टेंट। व्हाट्स द वेदर ऑफ टुडे? तो आप देख सकते हो यहां पे मुझे काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो ये फीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट फीचर्स, जो नेक्स्ट फीचर्स हैं वो है सिस्टम यूआई ट्यूनर। दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बैटरी में कोई भी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है और बैटरी परसेंटेज का कोई भी ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए आपको जस्ट सेटिंग्स को होल्ड करके कुछ देर के लिए, एक सेकेंड के लिए आपको दबाना होगा। और देखिए यहाँ पे सिस्टम यूआई ट्यूनर हैज बीन एडेड टू सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको काफी सारी ऑप्शन मिल जाएगा। सिस्टम यूआई ट्यूनर को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको स्टेटस बार, डू नॉट डिस्टर्ब और अदर्स मिल जाएगा। पावर नोटिफिकेशन कंट्रोल्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा देखने को और स्टेटस बार की ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको बैटरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद ऑलवेज सो परसेंटेज व्हेन चार्जिंग, डोंट शो द आइकॉन। अगर मुझे परसेंटेज अच्छा लगता है देखने को तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपका परसेंटेज 91% यहाँ पे दिखा रहा है, काफी अच्छा है। और एक फीचर्स यहाँ पे दिया गया है जो टाइम का, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आवर और मिनट का ऑप्शन दिया गया है, यानी ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन, तो आपको टाइम को क्लिक करना होगा और यहाँ पे शो आवर मिनट्स एंड सेकंड्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड का ऑप्शन भी आ गया है। बहुत अच्छा एक फीचर्स दिया गया है। दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर्स है वो टॉगल्स के बारे में, यहाँ पे दिया गया है डिफॉल्ट कुछ टॉगल्स, इसको आप एडिट आपके हिसाब से कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको क्लिक करने के बाद देख सकते हो काफी सारी यहाँ पे टॉगल्स दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि सपोज हॉटस्पॉट, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ऐड करूंगा, तो इसको जस्ट होल्ड कीजिए इसके ऊपर और ड्रैग करके ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए। हॉटस्पॉट यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते हो तो फिर से इसको दबाइए और नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ दीजिए, तो ये यहां से हट गया है। तो काफी अच्छा फीचर्स ये भी मुझे लगा है। तो नेक्स्ट फीचर है वो कास्ट स्कीम का है। दोस्तों आपकी फोन का जो डिस्प्ले है, ये आपकी जो टीवी है, यहां पे भी आप शेयर कर सकते हो और यहां पे इस ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कास्ट स्कीम का ऑप्शन। आपको पहले डिस्प्ले में जाना होगा और यहां पे आप देख सकते हो कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। तो इस फोन में कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है जो काफी हद तक अच्छा है। नेक्स्ट फीचर्स हैं वो है डिस्प्ले आइकॉन
और टेक्स्ट को आप आपके हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा और यहां पे आप देख सकते हो फॉन्ट साइज और डिस्प्ले साइज। तो चलिए फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं और यहां पे आपका टेक्स्ट आपके हिसाब से आप स्मॉल या लार्ज कर सकते हो। डिफॉल्ट में है ये, अगर मैं चाहूंगा कि ये लार्ज हो जाए तो ड्रैग करके दाहिनी तरफ छोड़ना होगा, आपका टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। अगर आपको चाहिए स्मॉल तो ड्रैग करके लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए, स्मॉल हो चुका है। अगर आपको चाहिए मीडियम तो डिफॉल्ट में ले आइए और मीडियम पे ये आ जाएगा। अच्छा है। नेक्स्ट जो फीचर है डिस्प्ले साइज, आप आपके हिसाब से जो टेक्स्ट और डिस्प्ले साइज को भी और डिस्प्ले आइकॉन को भी आपके हिसाब से स्मॉल या लार्ज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आइकॉन। तो अगर आप चाहते हो बड़ा आइकॉन तो चलिए ड्रैग करके राइट साइड में छोड़ दीजिए, तो ये आपका आइकॉन बड़ा हो गया है, आप देख सकते हो। अगर आप छोटा आइकॉन चाहते हो तो ड्रैग करके लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए, तो आप देख सकते हो ये छोटा आइकॉन हो चुका है। अगर आपको मीडियम पसंद है तो आप ड्रैग करके आप डिफॉल्ट में ले आइए और ये आपका डिफॉल्ट आ गया है, यानी मीडियम। तो ये भी काफी हद तक एक अच्छा फीचर्स इस फोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर्स है वो है डुअल एप्स। दोस्तों ये फोन डुअल एप्स के साथ नहीं आता है, यानी इस फोन में MIUI नहीं है और इसलिए ये फीचर्स मिसिंग है इस फोन में। पर घबराइए मत, यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखने को मिल रहा है, चलिए क्लिक करते हैं। तो मेरा नाम सुमन तो ये है और एड गेस्ट, और ये आपके फोन में आपकी और एक अकाउंट के साथ आप एनेबल कर सकते हो और ये डुअल एप्स की तरह या पैरेलल एप्स की तरह ही काम करता है। इसको क्लिक करने के बाद स्विचिंग टू गेस्ट, तो देखिए इस फोन में हो चुका है स्विचिंग टू गेस्ट। तो आप यहां पे भी एक व्हाट्सएप या फेसबुक यूज कर सकते हो और आपको जो नॉर्मल है, चलिए यहां पे क्लिक करते हैं और सुमन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो चुका है। तो आप यहां पे भी एक व्हाट्सएप फेसबुक यूज कर सकते हो, तो काफी हद तक ये भी एक अच्छा फीचर्स है। दोस्तों यहां पे नोटिफिकेशन LED का ऑप्शन भी दिया गया है पर ये व्हाइट में सिर्फ ग्लो होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आने वाला इस फोन की फुल रिव्यू, प्रोज एंड कॉन्स, कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू के साथ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल मेरा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर लीजिए।